मुझे याद है कि मैं दीपिका से जब पहली बार मिला था वो रिलीज़ के पहले, ओम शांति ओम और सावरी अभी तक रिलीज़ नहीं हुई थी, हम लोग फिल्मिस्तान में शूट कर रहे थे एंड एक साइड सावरिया का सेट था और पीछे आई थिंक उन लोग ओम शांति ओम का एक गाना शूट कर रहे थे। तो जैसे ये फिल्म में ड्रीमी गर्ल है वैसे ही मैं बाहर एक्चुअली स्टूडियो के बाहर आया और ये अपने कॉस्ट्यूम में ऐसे गुजर रही थी। तो उसी वक्त आई थिंक एक फर्स्ट इम्प्रेशन जो था वही था कि ये बहुत ही यू नो बड़ी स्टार बनने वाली है। Does not come across in a very pronounced way because of the kind of person that he is. He's not a very expressive person, but he's a very, very sensitive person.